अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हमशद और आप देखें इंफॉर्म्यू टैग। और आजकल के दौर में आप लोग मोबाइल फोन इंडस्ट्री में देखते होंगे कि हर रोज एक नई इंप्रूवमेंट आ रही है। कभी कोई डिस्प्ले अच्छा देखने को मिल रहा है, एमोलेड से ओएलईडी हो रहा है, प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन पता नहीं कौन कौन सा देखने को मिल रहा है, इधर से सैमसंग अपना निकाल रहा है, रैम इंप्रूव हो रही है, हर चीज इंप्रूव हो रही है मोबाइल फोन के अंदर एक चीज को छोड़ के, और वो है आपके मोबाइल फोन की बैटरी। जी हाँ, यहाँ पे कंपनीज क्या करती हैं, हमने इतने एमएच बैटरी डाल दी। भाई एमएच बैटरी डाल दी है, बैटरी की यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा कर दी है। क्या बैटरी की क्वालिटी को इम्प्रूव किया है? कहीं पे भी कोई कंपनी यहाँ पे क्लेम नहीं करती कि हमने यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी से कोई बैटरी कोई और टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके डाल दी है। जितनी भी आपको मोबाइल फोन के अंदर बैटरीज देखने को मिलती हैं वो सारी यहाँ पे आप लोगों को लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज देखने को मिलती हैं। और अभी कोई भी कंपनी इसको छोड़ के आगे नहीं जा रही, उसकी वजह क्या है, खर्चा बहुत होता है कंपनी का। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि सैमसंग ने 2017 में ये कहा था कि हम एक ऐसी बैटरी के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही आला किस्म की आपको बैटरी देखने को मिलेगी, और वो होगी ग्रेफीन से मेड बैटरी। मतलब यहाँ पे आपको ग्रेफीन से बनी हुई बैटरी देखने को मिल जाएगी मोबाइल फोन के अंदर, और जिस मोबाइल फोन के अंदर ये ग्रेफीन से बनी हुई बैटरी आपको देखने को मिलेगी वो मोबाइल फोन जस्ट 12 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगा। एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, मतलब 12 मिनट आपने यहाँ पे चार्ज लगाया, आप बाहर गए जरा सा हवा शवा खा के वापस आए और आगे आपका मोबाइल चार्ज हुआ, या सुबह उठे आपने जस्ट यहाँ पे जितनी देर में उठते गए मोबाइल चार्ज पे लगाया, कपड़े शपड़े चेंज किए, वापस आए ऑफिस जाने के लिए, मोबाइल उठाया चार्ज हो गया, मतलब कहीं पे भी 12 मिनट के अंदर आपका मोबाइल पूरा चार्ज हो जाए, तो कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे सैमसंग अब इस टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे काम कर रहा है। ग्रेफीन से बनी ये बैटरीज होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, अच्छी क्वालिटी की होती हैं, लॉन्ग टर्म होती हैं, जल्दी चार्ज होने वाली होती हैं, और सबसे मेन चीज़ क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इन बैटरीज की। लेकिन खर्चा बहुत आता है इस टाइम यहाँ पे, आजकल के दौर में खर्चा बहुत आता है कंपनी के ऊपर। लेकिन सैमसंग अभी इसके ऊपर काम करना शुरू हो चुकी है, और रिसेंटली बिल्कुल अभी यहाँ पे, पहले तो 2017 में सैमसंग ने एक यहाँ पे नोटिफिकेशन दी थी, अभी रिसेंटली सैमसंग की तरफ से दोबारा से एक नोटिफिकेशन आ रही है, डायरेक्ट नहीं आ रही, एक लीक्स आ रही है कि सैमसंग ग्रेफीन बैटरी के ऊपर यहाँ पे काम कर रही है, और बहुत जल्दी मतलब इन 2021 आप लोगों को सैमसंग का पहला मोबाइल फोन देखने को मिलेगा जहां पे ग्रेफीन बैटरी लगी होगी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि ग्रेफीन बैटरी बहुत अच्छी होने वाली है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी आपके यहां देखने को मिल जाएगी। और यहां पे कुछ रूमर्स तो ये भी आ रहे हैं कि सैमसंग ने अपनी जो डिले था इतना 2021 में जाके मोबाइल फोन आना था उसे कम कर दिया है, और यहां पे आप लोगों को 2020 के अंदर चांसेस हैं कि ग्रेफीन बैटरी वाला मोबाइल फोन देखने को मिल जाए। अब 2020 के अंदर सैमसंग एक और बहुत अच्छी चीज लेकर आ रही है, वो है इन डिस्प्ले कैमरा मोबाइल फोन। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं, पूरी डिटेल बताई हुई है कि किस तरह यहाँ पे पेटेंट्स फाइल किए हैं सैमसंग ने इन डिस्प्ले कैमरा मोबाइल फोन यहाँ पे लाने के लिए। तो अगर सैमसंग यहाँ पे 2020 के अंदर इन डिस्प्ले कैमरा मोबाइल फोन लेकर आ सकती है तो चांसेस है ऐसी मोबाइल फोन के अंदर एक ग्रेफीन बैटरी भी ला सकती है। ऑल्दो यहाँ पे कंपनीज क्या करती हैं कि कंपनीज को पता होता है कि भाई मैंने अपने 2 साल बाद क्या टेक्नोलॉजी लानी है, 3 साल बाद क्या टेक्नोलॉजी लानी है, तो मतलब ये सारी प्लान्ड होती हैं, सारी कंपनीज ने पहले प्लान की होती हैं, उन्हें पता था हमने कौन सी टेक्नोलॉजी लेकर आनी है। वेल, अगर यहां पे देखा जाए एक लीडिंग कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो ट्रेंड मेकर है, अगर वो ग्रेफीन बैटरी को यूज कर रही है तो बहुत जल्दी आपको Xiaomi, Redmi, Realme, Oppo, Vivo जितनी भी कंपनीज आपको आगे पीछे देखने को मिलती हैं ये सारी भी यूज करना शुरू हो जाएंगी ग्रेफीन बैटरी को, और हमें मोबाइल फोन के अंदर एक बहुत अच्छी बैटरी देखने को मिलेगी। अभी जो भी बंदा यहां पे मोबाइल लेता है ना उसकी सबसे बड़ी टेंशन ही होती है कि यार मोबाइल की बैटरी, मतलब मैं मोबाइल को चेंज कर रहा हूं, मैंने बहुत दफा अपने दोस्तों को देखा है क्यों चेंज करो यार बैटरी फारोग हो गई है, ठीक है यार जाके बैटरी चेंज करा लो, और कौन खर्चा करे यार अपनी बैटरी के ऊपर जाके एक नई बैटरी डलवाए वो सब कुछ करे, छोड़ो मोबाइल नया ले लेते हैं। कैमरे का इशू नहीं है, रैम का इशू नहीं है, स्टोरेज का इशू नहीं है, बैटरी का इशू है। तो अगर बैटरी का इशू खत्म कर दिया जाए तो यहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। वेल फ्रेंड, यहाँ पे ये सारी स्टोरी थी किस तरह से यहाँ पे सैमसंग अपने ग्रेफीन बैटरी के ऊपर यहाँ पे काम कर रही है, और बहुत जल्दी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे ग्रेफीन बैटरी की टेक्नोलॉजी अच्छी लग रही है, ये चीज अच्छी लग रही है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम सजेशन नीचे जाकर कमेंट में बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मैं मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को इस नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।